अगर आप IBPS SO 2019 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहला राउंड जो आएगा प्रीलिम्स, तो पहले ही मन में आपके डाउट है कि कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए जिससे मैं सेफ हो जाऊं ताकि मैं मेंस के लिए आगे बढ़ सकूं, एंड द रेस्ट प्रोसीजर। अभी ये सवाल स्टूडेंट्स के मन में क्यों आता है पता है? क्योंकि इसके जनरली रीजंस होंगे कि सर पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट्स कितने सेफ है, कहाँ तक कट ऑफ जाएगी, और कि मेरे स्टेट में वैकेंसीज कितने हैं, मेरा जनरल OBC है या जो भी कैटेगरी है। ये जनरली हर एक के स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। बट कभी आपने ऐसा कभी स्टैटिस्टिक्स नोटिस किया है किसी स्टूडेंट को या किसी तरीके को? या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, सिर्फ मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो वो हर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, हर प्रीलिम्स। ठीक है, अगर मान लो जनरल कैटेगरी का हाई कट ऑफ है तो भी वो लोग क्लियर करते हैं। कैसे? ठीक है, कैसे? कोई पर्टिकुलर क्लास, कोई पर्टिकुलर मॉक टेस्ट, कोई? ये तो आप भी करते हो, आप लोगों ने जो बताया मुझे कि आप ये सब करते हो, थोड़ा 19 भी समझ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा गैप कैसे हो रहा है? पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आ रहे हैं कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, मैं 100 एंड 100 से हूँ? वो चीज़ें हैं, देखो वो चीज़ें कि HR में कितने वैकेंसीज आएंगे, IT में कितने वैकेंसी, ये आपके हाथ में है क्या? नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिनों में, आप लोग उसका PDF देखोगे, एनालाइज करोगे, बहुत सारा डिस्कशन होगा जो कि जायज़ बात है। बट क्या वो सब होने के बाद आप रिएक्शन करने वाले हो? इसके लिए मैंने ये सीरीज़ बहुत पहले शुरू की। आप अपने आप से पूछो, अगर मैं बताता हूँ जो आपने मैंने बताया इस पॉइंट का मुद्दा है सेफ अटेम्प्ट्स, अगर मैं कहता हूँ आपको कि आपके कैटेगरी के हिसाब से 67 है मान लो लास्ट ईयर का कट ऑफ, ठीक है, तो क्या अभी आप क्या प्लान करोगे? 70-75 करके आओ। और ये सब करने के बाद अटेम्प्ट्स कोई बड़ी बात नहीं है, एक्यूरेसी कितनी है बॉस आपकी? कुछ लोगों की डेफिनेटली हो गई 95-98%, और जिन लोग की नहीं है वॉट आर यू थिंकिंग? क्योंकि आप एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि अगर मेरी एक्यूरेसी नहीं हो रही तो मैं कट ऑफ जान लूँ। चलो कट ऑफ में बताता हूँ कि इसके हिसाब से आपका 67 है, ठीक है, और आपके मार्क्स मान लो उसी कैटेगरी के आसपास अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा डेंजरस होने, क्यों पता है? अगर 67 है तो आपके मार्क्स 80 के करीब होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर अटेम्प्ट्स आर सेकेंडरी या फिर टू बी सीन लेटर। आप बताओ आपके मार्क्स एवरेज कितने आते हैं? आप पहले मार्क्स से फोकस करो। देर आर मेनी पीपल आई हैव सीन जिनका ये प्रोसीजर मैंने बताया थोड़ी देर पहले कंप्लीट उल्टा है, वो लोग पेपर सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट 100 अटेम्प्ट करेंगे, कहेंगे कि सर मेरे 90 से मार्क्स आएंगे, ठीक है, 90 मतलब 90 से लेके 99 तक कुछ भी मार्क्स, तो 100 करके 90 लाना आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग इन SO का प्रीलिम्स। ओके, फिर सोचेंगे कि सर मेरा रीजनिंग मैथ्स ओके, मेरा इंग्लिश में थोड़ा है लेकिन 92-93 के आसपास, तो चलो 92 पकड़ के चलता हूँ। देन दे गो कि मेरा कैटेगरी क्या है, तो मेरा कैटेगरी है मान लो IT या मान लो HR, तो 85 था, 89 कट ऑफ था, एंड सर अगर 89 भी है तो मैं निकल जाऊँगा, भरोसा है। लिसन टू द वर्ड भरोसा है, क्योंकि ये भरोसा वो स्टूडेंट को ही पता होगा, मुझे भी एज अ टीचर पता नहीं होगा, क्योंकि वो भरोसा आपके दिल में होना चाहिए। हम लोग या स्टूडेंट्स बहुत बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, ये मॉक टेस्ट बाय करूँ, वो मॉक टेस्ट बाय करूँ, इट्स गुड, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट थिंग इज उसके करने के आपको पता है कि आप कितना श्योर हो? कभी भी श्योर होना चाहिए। आप बोलोगे ये मॉक टेस्ट से क्या इसलिए श्योर हूँ, देन यू आर डिपेंडिंग ऑन इट एवरी टाइम। फिर से कहता हूँ करो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना करने के बाद भी यार श्योर नहीं हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे, यू वॉन्ट बिलीव इट, जिन्होंने किसी भी मॉक टेस्ट के बिना ऐसे पेपर क्लियर किए हैं। ठीक है, अभी आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर वो लोग एकदम हाई क्वालिटी के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही की तरह बॉटम टू टॉप, लेकिन ये बॉटम टू टॉप का जो शिखर उन्होंने हासिल किया उसे बहुत सारी चीज़ें थी, वो थी डेडिकेशन। 8-10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो, डेडिकेटेड स्टडियाँ, सिर्फ आवर्स बढ़ाने के लिए नहीं, 8-10 घंटे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर लेवल से पढ़ रहे हैं,
जिनके लिए रीजनिंग ये वर्ड भी नया है। अब अगर आप घर पे हो तो आपके पास वो टाइम है, फिर किस तरीके से पढ़ते हो। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब गोइंग हो तो आपके पास एक वैलिड एक्सक्यूज़ है, जो मैं मानता भी हूँ कि सर टाइम नहीं मिलता इतना 8-10 घंटा, कम्प्लीटली एग्री। कम से कम उतने घंटे तो या उससे भी ज़्यादा आपके तो जॉब में चले जाते हैं, फिर ट्रैवलिंग का अलग टाइम, ठीक है। फिर घर पे आओगे तो जाहिर सी बात है हम लोग फटाक से बुक खोल के पढ़ाई नहीं करते, लेकिन क्या सुबह 2 घंटे निकाल सकते हो और शाम को 2 घंटे? अगर नहीं हुआ है 1.5 घंटे निकाल सकते हो, अगर नहीं हुआ है 1 घंटे निकाल सकते हो। लेकिन कितने लोग नहीं करते ऐसे, क्योंकि वो जॉब के आने के बाद टायर्ड हूँ ये हूँ करते, एंड टिपिकली वीकेंड का इंतज़ार करते। बस वीकेंड में आप कौन हो यार? आप कोई फुंसुक वांगड़ू हो क्या 3 इडियट्स के रट लोगे? क्योंकि ये रट्टा वाला पेपर नहीं है, रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स सिंपल बिजनेस सॉल्व दैट थिंग गेट द 1 मार्क, इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ़ यू मेक रॉन्ग पे पेनल्टी ऑफ 0.25, इफ़ यू मेक 4 रॉन्ग पे पेनल्टी ऑफ 1 मार्क। आपको आपके अटेम्प्ट्स के अलावा आपको एक्यूरेसी पे बेहद ध्यान देना है। कुछ मत डरो कि ये एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन 125 मार्क का है, कुछ नहीं है। जो आप लोग PO में देने वाले हो या क्लर्क में देते हो ना, जो 100 मार्क्स का सिंपल बिजनेस है, हाँ थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कहने का गलत नहीं होगा, पूरा सिलेबस आ सकता है। क्योंकि 50 मार्क्स का अगर कोटा बनाते हैं वो लोग रीजनिंग मैथ का, तो पूरा चांसेस है। तो रीजनिंग के जो 1-2 छुपे हुए चैप्टर्स भी वो भी है। और एक चीज़ पे ज़रा फोकस करो, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है। अभी आप जो भी मार्क्स अचीव करते हो 80, 85, 90, ठीक है, पहली बात तो ये कैटेगरी आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 75 में कर नहीं सकते, लेकिन ये मार्क्स मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम एक हाथ दूसरा कैटेगरी ये सेफ श्योर है कि आप जाओगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता प्रीलिम में आने के बाद स्टूडेंट्स गो टू इन दैट थिंकिंग यार मेरे मार्क्स कट टू बढ़ाएंगे मैं क्या करूँ। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, 25 जनवरी को मेंस है, आपको जाना ही है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसके लिए प्रीलिम का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। सिंपल भाषा में कहूँ, इट्स अ नॉकआउट। आप ज़रा खुद सोचो, अगर रफली मान लो 1,000 या 2,000 वैकेंसीज पकड़ते हैं, क्यों 10-15 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम? ये इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम्स क्यों देते हैं? और जिन्होंने सिस्टम बनाया एग्ज़ाम का, उनको भी कितना डैम श्योर है कि कुछ बच्चे तो क्लियर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो। तो हम भी बता देंगे ना, अगर आप शेयर है तो हम लोग 125 शेयर है बॉस, हम लोग भी जानते हैं कि आप लोग किस तरीके से पेपर सेट करते हो। इसके लिए एक वर्ड है अच्छा, जिस जो सबसे बेहद क्वालिटी मेरे हिसाब से इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, वो है ऑब्जर्वेशन। चोरों की तरह सोचो कि एग्ज़ाम्स क्लियर कैसे करने हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई सिलेबस ये आता है वो आता है नहीं, ये तो सभी बोलते हैं यार, इसमें कुछ नया नहीं है, आई नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, ये सभी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा कि अगर ये 2 पज़ल आए तो ये पज़ल मुझे करना चाहिए, क्योंकि IBPS वाले ऐसा पज़ल में ये होता है, इसको बोलते हैं शातिर प्लानिंग। इसके लिए मतलब सोचो सिर्फ सॉल्व नहीं करना, बारीकी से सोचना है कि लीनियर पज़ल अगर मैंने आपको दिया अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन, ओके, और मैंने आपको दिया बॉक्स पज़ल, तो जजमेंट आपको आना चाहिए कौन से पज़ल को पहले हाथ लगाऊं, इसको बोलते हैं मास्टरमाइंड। सिर्फ सॉल्व करूंगा फिर देखूंगा, नहीं बॉस ऐसा नहीं होता, हाथ लगाया तो सॉल्व करूं, या फिर बेस्ट वे देख के उसको बोलो कि मुझे नहीं आ रहा, एटलीस्ट यू विल सेव योर टाइम एंड डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप लोग आपके एक्यूरेसी पे ध्यान दो। सक्सेस स्टोरीज हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, ठीक है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, सिर्फ IBPS नहीं ओवरऑल लाइफ में। लेकिन एक बात देखो, वो डेडिकेशन कमिटमेंट सिर्फ देखना है, घर पे बैठ के हम लोग उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, उनके कोट्स डालेंगे, लाइक्स मिलेंगे, वही करना है या इसको एक्चुअल में आपको इम्प्लीमेंट करना है? सी नथिंग विल हैपन अनलेस यू इम्प्लीमेंट इट, सो फॉलो इट। सक्सेस स्टोरीज जैसे मैंने कही है बहुत पढ़े हैं, पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो। जो सोर्सेज से आपको अच्छी मदद मिल रही है, मैं कभी ना नहीं बोलूँगा कि मैं यूट्यूबर हूँ तो सिर्फ मेरा ही देखो, नहीं, जहाँ से हेल्प मिली है डेफिनेटली लो, सीखो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, सक्सेस स्टोरी सिर्फ पढ़ना मत, मेक श्योर वन डे जल्दी रीडिंग यूअर्स। और एक बात याद रखना, सक्सेस स्टोरी में फ़ोटो लगती है, सो मेक श्योर आपके पास एक अच्छी DP निकाल के रख दो। वेरी सून आई वॉन्ट टू सी ईच वन ऑफ योर स्टोरी आउट देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।